हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो दोस्तों, आज हम लोग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व वाई ए माइनस जेड डी एक्स प्लस एक्स ए माइनस जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू जीरो। तो ये क्वेश्चन आया है पीजीटी 2000 में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले तो यहाँ पर है वाई ए माइनस जेड डी एक्स प्लस एक्स ए माइनस जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू हमें दी गई यहाँ से। तो हम लोग क्या करें, इसको यहाँ से एक्स वाई और ए माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई ए माइनस जेड से अगर डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन वाई, तो वाई कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा एक्स प्लस ये आ जाएगा डी वाई अपॉन वाई। उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा एक्स वाई तो कैंसिल हो जाएगा डी जेड अपॉन ए माइनस जेड इक्वल टू जीरो। यानी कि जो वेरिएबल जिस डिफरेंशियल के साथ है वो एडजस्ट हो गया यहाँ से। अब यह हम लोग यहाँ पर इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। तो यह आ जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई प्लस डी जेड अपॉन ए माइनस जेड इक्वल टू जीरो। और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ लॉग एक्स वाई, और इसको लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि यहाँ पर डी जे इसका इंटीग्रल जो है करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा, या इसको डी ऑफ लिख सकते हैं डी ऑफ लॉग ए माइनस जेड इक्वल टू जीरो। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगी, यानी डी तो कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशियल कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रल से। तो ये आ जाएगा लॉग एक्स वाई माइनस लॉग ए माइनस जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट आएगा कोई भी लॉग सी। तो यहाँ से जब इसको अगेन जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा हमें लॉग एक्स वाई ए माइनस जेड इक्वल टू लॉग सी। तो यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से एक्स वाई ए माइनस जेड इक्वल टू सी, या ये वैल्यू इधर ले जाएंगे तो इन्वर्स में हो जाएगा, इन्वर्स आएगा तो हो जाएगा ए माइनस जेड। तो यहाँ पर आएगा एक्स वाई अपान ए माइनस जेड, तो वैल्यू आई एक्स वाई अपान ए माइनस जेड। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी ए माइनस जेड। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वन प्लस कॉस टू वाई अपान वन माइनस कॉस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसका हमें सोल्यूशन पूछा गया है। तो इस इक्वेशन को हम लोग सबसे पहले हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से वन कैंसिल करेंगे, वन किसी तरह से हटाएंगे। तो वन हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस टू एक्स या कॉस टू वाई वाला फार्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर वाई माइनस वन अपन, यहाँ से वन जब कैंसिल करेंगे तो इसमें साइन वाला लगाना पड़ेगा, यानी कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। अब यहाँ वन से वन कैंसिल हो गया, ये प्लस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, और टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी कॉस स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वैल्यू इधर ले जाएंगे डी वाई ओवर डी एक्स,
ये पूरी वैल्यू हम लोग इधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर वाई अपान, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब डी वाई वाले टर्म इधर लाएंगे, यानी कि डी वाई अपान कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस डी एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू आ गई। अब इसका इंटीग्रल करेंगे, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, या ऊपर इसको ले जाएंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू माइनस इंटीग्रल, इसको लिख लेंगे कॉसिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस का कॉसिक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी मिलेगा टेन वाई इक्वल टू माइनस, और माइनस वन प्लस हो जाएगा कॉट एक्स और प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से ये जाएगा टेन बाई माइनस कॉट एक्स, टेन बाई माइनस कॉट एक्स इक्वल टू सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर वी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ इसको लाइक भी करिएगा और दोस्तों का शेयर भी करिए, और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दी वैल्यू ऑफ डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस वाई लॉग वाई डी वाई क्या होगा। तो क्वेश्चन आया है पी जी टी 2000 में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे इसको कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी वाई कर लेंगे, यानी ये वैल्यू इधर लाए। तो डी वाई से एक ये देखा जाए तो डी वाई से हमने भाग दे दिया, तो यहाँ तो हमें बचेगा एक्स इक्वल टू, ये आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई और लॉग वाई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर इसको कंपेयर करेंगे, डी एक्स ओवर डी वाई पी एक्स इक्वल टू क्यू क्यू। तो यहाँ तो पी हो जाएगा वन और क्यू हो जाएगा एक बार माइनस वाई और लॉग वाई। तो यहाँ से हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, और ये हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रल पी की वैल्यू वन, तो वन इंटू डी एक्स, वन का इंटीग्रल एक्स हो जाएगा ई की पावर एक्स। तो ये वैल्यू आ गई ई की पावर एक्स, सॉरी क्योंकि यहाँ ये लीनियर डिफरेंशियल एक्स में है तो पी डी वाई लगेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वाई, ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर y इक्वल टू इंटीग्रल आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि e की पावर y और इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू e की पावर माइनस y लॉग y और डी वाई प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब यहाँ से अगेन जब इसको सॉल्व करें, ये तो कैंसिल हो जाएगी e पावर y और e की पावर माइनस y, तो यहाँ सिर्फ बचेगा हमारे पास लॉग y डी वाई प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी, और यहाँ आ गया एक्स इंटू ए की पावर बाई। अब लॉग बाई का इंटीग्रल यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड मानेंगे, तो फर्स्ट एंड सेकंड जब मानेंगे तो यहाँ से लॉग बाई तो बाहर आ गया, इंटू वन का इंटीग्रल क्या हो जाएगा बाई माइनस लॉग बाई का वन अपॉन बाई, और ये बाई वन का इंटीग्रल बाई और डी वाई प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा लॉग वाई, इसमें कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया बाई माइनस, यहाँ से क्या आ जाएगा वन, यहाँ से क्या आ जाएगा
सॉरी, यहाँ से आएगा बाई लॉग बाई, ये आ गया बाई लॉग बाई या वन का इंटीग्रल बाई, तो माइनस बाई प्लस इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट सी। अगेन जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स ई की पावर बाई इक्वल टू बाई लॉग बाई माइनस बाई प्लस सी। अब हमसे पूछा क्या गया है इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर, बाई लॉग बाई माइनस बाई प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू वाई इक्वल टू फाइव पावर एक्स, जहाँ डी क्या है डी ओवर डी एक्स। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऑक्जिलरी इक्वेशन, तो ऑक्जिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमें एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, यहाँ से कॉमन ले लेंगे एम माइनस सिक्स प्लस वन, सॉरी यहाँ इसको इस तरीके से नहीं ब्रेक करेंगे, यहाँ इसको करेंगे टू इंटू थ्री में, थ्री टू या सिक्स यानी माइनस थ्री एम और माइनस टू एम, यहाँ से एम कॉमन ले लेंगे एम माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस का टू कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ एक फैक्टर आएगा एम माइनस थ्री और एक आएगा एम माइनस टू, तो एम की वैल्यू क्या आ जाएंगी टू और थ्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से, सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस सी टू ई की पावर थ्री एक्स। अब ये तो हमारा सी वाई, बट हमें चाहिए क्या पी आई यानी कि पार्टिकुलर इंटीगल, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइव की पावर एक्स अपान, नीचे इसके क्या बनेंगे रूट अपान डी माइनस टू और डी माइनस थ्री, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब एक बार जब इसको हल करेंगे तो फाइव की पावर एक्स अपान डी माइनस टू ऐसे रहेगा इंटू वन, इसको अगर वन अपान डी माइनस थ्री तो क्या आ जाएगा फाइव की पावर, तो यहाँ आ जाएगा वन अपान लॉग फाइव अपान ई की पावर थ्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा फाइव की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ई फाइव अपॉन ई स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ फाइव अपॉन ई क्यू। तो इस तरीके से हमारा पी आई निकल गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व्स वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस वी साइन ओमेगा टी वेयर ए एंड वी आर पैरामीटर्स इज क्या होगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें पूछा कि कौन सा इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले जो हमें कर्व दिया गया उसको नोट करते हैं, वाई इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस वी साइन ओमेगा टी, जहाँ ए और वी क्या है कॉन्स्टेंट है पैरामीटर्स है। तो इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, इसी कहते हैं वाई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया। अब एक्स के सापेक्ष हम लोग जो है इसको एक्स के सापेक्ष ना करके इसको करेंगे टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा ए और कॉस ओमेगा टी का हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी का ओमेगा प्लस बी, यहाँ भी ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी,
अगेन जब इसको अरेंज कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस का वी ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये आ गया बाई डैस। अगेन अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर इसमें देखा जाए कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग अगेन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो बाई डबल डैस, या यूं कहें डी टू वाई ओवर डी टी टू, क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा माइनस का ए और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और माइनस का बी ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस वी साइन ओमेगा टी। अब देखा जाए ए साइन ओमेगा टी प्लस वी साइन ओमेगा टी, ये इक्वेशन नंबर इसको अगर एक डाल लें तो ये वैल्यू एक से लिखी है तो ये आ जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और ये लिखा वाई, इसको कहाँ से लिखा फ्रॉम वन से, तो यहाँ से ये आ गया डी टू बाई ओवर डी टी टू। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको बाई डबल डैश और इसको इस वैल्यू की इधर लाएंगे तो प्लस का ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।